मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पात्रा चौल जमीन घोटाले में राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब रविवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एक टीम उनके मुंबई स्थित आवास पर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई है। इस बात की भी संभावना है कि ईडी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ईडी दफ्तर ले जा सकती है। दरअसल 1,000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के इस मामले में राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। राउत ने ईडी को संसद सत्र का हवाला देते हुए 7 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन रविवार सुबह जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची तो संजय राउत घर पर ही मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इससे पहले जब भी ईडी ने संजय राउत से पूछताछ की थी तो वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। संजय राउत 3 बार लगातार ईडी का समन खारिज कर चुके हैं। राउत पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। इसी के चलते ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि ईडी की टीम राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। संजय राउत पर 1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का शक है। ईडी इस मामले में दादर और अलीबाग में राउत की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। वहीं इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी घोटाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मराठी भाषा में ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कहता हूं कि मेरा किसी भी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को झूठी कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि ये झूठे सबूत है। संजय राउत ने कहा कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊंगा तो समर्पण नहीं करूंगा। रविवार सुबह जब ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची तो उनके घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। राउत के समर्थक जांच एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंचने पर बीजेपी नेता राम कदम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई नेता है इसलिए उसकी जाँच नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अखबार सामना चला रहे हैं लेकिन जांच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। देश में कोई भी हो जिसने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आपको बता दें इससे पहले इसी महीने की 1 तारीख को शिवसेना नेता संजय राउत धन शोधन के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे ईडी के अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।